हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का स्पीक अंग्रेजी टॉक शो पे। और ये सबसे पहला एपिसोड होने वाला है जहाँ पे हम टॉक शो के माध्यम से हम अंग्रेजी के बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को जानेंगे एक एक करके, और अंग्रेजी के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को, और कैसे हम अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते हैं, कैसे जो भी मेरे ट्रेनीज़ हैं या बहुत सारे लोग को मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ इस स्पीक अंग्रेजी टॉक शो के माध्यम से, जहाँ पर मैं इंग्लिश के जर्नी के बारे में, इंग्लिश कैसे सीखा जाता है और किस तरीके से अपने इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाया जाए, इन सारी चीज़ों को इस स्पीक अंग्रेजी टॉक शो में मैं बात करने वाला हूँ एक के बाद एक करके। एंड हियर आर टू ट्रेनीज, द फर्स्ट ट्रेनी इज संजना एंड द सेकेंड ट्रेनी इज प्रियांशु। सो दीज ऑल आर द टू ट्रेनीज जहाँ से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इस एपिसोड को। आई वुड लाइक टू आस्क द नेम ऑफ माई फर्स्ट ट्रेनी एंड व्हाट इज योर नेम। आई वुड लाइक योर नेम। माई नेम इज संजना वर्मा। ओके संजना वर्मा इज द फर्स्ट ट्रेनी एंड व्हाट इज योर नेम। माई नेम इज प्रियांशु पाल। ओके द सेकेंड ट्रेनी इज प्रियांशु। हियर संजना एंड प्रियांशु एंड दे विल एक्सप्रेस देयर पॉइंट ऑफ व्यू एंड दे विल एक्सप्रेस एंड दे विल टॉक अबाउट आई मीन सम टिप्स एंड ट्रिक्स। सो इन दोनों ट्रेनीज से मैं बोलना चाहूंगा पहले, आर यू रेडी विद मी, यस एंड नो? ओके प्रियांशु, आर यू रेडी विद मी? यस। एज यू कैन सी व्यूअर्स आर वॉचिंग अस, आपके माध्यम से व्यूवर्स सीखने वाले हैं। सबसे पहले बताऊंगा ऑन द वर्ज ऑफ को कैसे अपने इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में यूज करते हैं। वेल इफ आई टॉक अबाउट ऑन द वर्ज ऑफ, इसका हिंदी मतलब होता है की कगार पे, यानी कि जब भी हम किसी चीज को 99.99% एकदम करने के कगार पे होते हैं, इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन वी यूज ऑन द वर्ज ऑफ। सो इन दिस पर्टिकुलर एपिसोड मैं आपको बताऊंगा कि ऑन द वर्ज ऑफ कैसे प्रयोग करते हैं। माई फर्स्ट क्वेश्चन टू माई फर्स्ट ट्रेनी एंड दैट इज संजना, मैं अंग्रेजी बोलने के कगार पे हूँ, हाउ डू वी मेक दिस सेंटेंस? आई एम ऑन द वर्ज ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। ओके आई एम ऑन द वर्ज ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। मैं डांस करने के कगार पे हूँ पार्टी में। आई एम ऑन द वर्ज ऑफ डांसिंग इन द पार्टी। मैं सीखने के कगार पे हूँ। I am on the verge of learning. Okay, viewers से बताओ, मैं अंग्रेजी बोलने के कगार पे हूँ। I am on the verge of speaking English. Okay, मैं डांस करने के कगार पे हूँ from संजना। I am on the verge of dancing. मैं डिजाइन बनाने के कगार पे हूँ इस क्लास में। I am on the verge of making design in this class. So will you make design for this class if I am not wrong? Okay, definitely I will wait for that design and you will make it. Okay. Second question from Priyanshu. मैं मोबाइल चलाने के कगार पे हूँ आज। I am on the verge of operating mobile today. Okay. मेरा दोस्त जंप करने कगार पे है तालाब में। My friend is on the verge of jumping in the pond. Okay. Now these all are the main positive sentence. Viewers, ये कुछ मैंने positive sentence बताया, जैसे मैं बोलूँ कि मैं next topic को पढ़ाने के कगार पे हूँ, तो इसे हम कैसे बोलेंगे? I am on the verge of teaching next topic. Okay. सो अब हम कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑन द वर्ज ऑफ। मेरा भाई डांस करने के कगार पे नहीं है, फ्लोर पर। माय ब्रदर इज नॉट ऑन द वर्ज ऑफ डांसिंग ऑन द डांस फ्लोर। ओके मेरा भाई अंग्रेजी बोलने के कगार पर नहीं है इस क्लास में। माय ब्रदर इज नॉट ऑन द वर्ज ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश इन दिस क्लास। तुम गाली देने के कगार पे हो एक अजनबी को। यू आर ऑन द वर्ज ऑफ एब्यूजिंग स्ट्रेंजर। राइट, स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी। जब भी हम किसी अजनबी को देखते हैं उन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं वी से स्ट्रेंजर। राइट एंड आई मीन देयर इज आई मीन स्ट्रेंज एंड दिस वर्ड स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का मतलब होता है कुछ चीज़ें अजीब या विचित्र हो, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंज। और स्ट्रेंज वर्ड से ही कहीं ना कहीं हम पाते हैं स्ट्रेंजर वर्ड को। ओके नाउ वी विल मेक सम आई मीन क्यू डब्ल्यू आई मीन क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव पॉजिटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्या आप शॉपिंग करने के कगार पे हैं वन इंडिया मार्ट में? आर यू ऑन द वर्ज ऑफ शॉपिंग इन वन इंडिया मार्ट? मेरा भाई अंग्रेजी बोलने के कगार पे नहीं है आज। माई ब्रदर इज नॉट स्पीकिंग टूडे। माई ब्रदर इज नॉट, यू आर डूइंग रॉन्ग। मेरा भाई अंग्रेजी बोलने के कगार पे नहीं है आज। माई ब्रदर इज नॉट ऑन द वर्ज ऑफ स्पीकिंग टूडे। एब्सोल्युटली राइट, व्यूअर्स ट्रेनीज आर हियर, मे बी दे कैन बी आई मीन दे कैन डू मिस्टेक बट डोंट माइंड अबाउट दैट। क्या आप लैपटॉप चलाने के कगार पे हैं? आर यू ऑन द वर्ज ऑफ ऑपरेटिंग लैपटॉप? आप अपने दोस्त को कहाँ गाली देने के कगार पे हैं? Where are you on the verge of abusing your friends? Okay, so this is all about making sentences related to interrogative positive and interrogative negative. So try to use this advanced structure in your daily conversation. और मैं सेना से पूछना चाहूँगा कि किस तरीके से आप अपने इंग्लिश को अभी इम्प्रूव कर रही हो these days? Right now I am trying to improve my English by practicing the words and by using the accent.
And can you please tell me your three favorite words? My three favorite words today I learned to keep. Choir. These are very amazing. These all are the three words that you like. Can you please tell me two favorite words? Nostalgia. Midday. What is the meaning of nostalgia? Purani yaadein. Whenever we remember about our old memories, then we use word that is called nostalgia. Viewers, yaad rakhiyega, nostalgia ka matlab hota hai purani yaadein. Use hum log bolte hain nostalgia. So this is all about on the verge of जिस इस पहले एपिसोड के माध्यम से हमने सीखा कि हम अपने इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में ऑन द वर्ज ऑफ का कैसे यूज़ करते हैं. वेल, ऑन द वर्ज ऑफ इट्स वेरी इजी टॉपिक, ट्राई टू यूज़ इन योर इंग्लिश कॉन्वर्सेशन एंड डेफिनेटली यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली. और जितने भी सेंटेंस को मैं बोलूँ, मेरे साथ कोशिश कीजिए कि उनको आप मेरे जस्ट बाद रिपीट करिए और उन सारे सेंटेंस को बनाइए, क्योंकि जितना आप सेंटेंस को बनाएंगे डेफिनेटली आप इंग्लिश के जर्नी में बहुत ही आगे जाने वाले हैं. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एज मच एज यू कैन एंड आई ऑलवेज से इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली डू ओनली वन थिंग एंड दैट इज स्टॉप विशिंग स्टार्ट स्पीकिंग. ऑलराइट एवरीवन.